नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। आज का दिन मध्य प्रदेश भाजपा के लिए बेहद अहम दिन है। जी हां, एक तरफ बीजेपी सरकार के मुखिया यानी सीएम शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण का एक साल पूरा हुआ और इस उपलक्ष्य में पूरी बीजेपी ने आज इसका जश्न मनाया। कहें कि जो संकल्प पूरा हुआ एक साल का, हालांकि संकल्प खत्म नहीं हुआ है बल्कि निरंतर यह संकल्प बना रहेगा, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान के संकल्प के एक साल पूरा होने पर आज मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने एक साथ पौधारोपण किया, तो ये एक अहम बात। दूसरी तरफ आज बीजेपी की अहम बैठक है, ये बैठक दो दिनों तक चलेगी, आज और कल, और इस बैठक में शामिल होने के लिए देख सकते हैं आप मध्य प्रदेश बीजेपी से जुड़े तमाम बड़े चेहरे आज भोपाल में इकट्ठा हुए, जिनमें प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, साथ ही साथ यहां पर राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिवप्रकाश वो भी मौजूद हैं, प्रदेश महामंत्री सुहास भगत, और इसके अलावा पूरी प्रदेश कार्यकारिणी देख सकते हैं आप यहां पर, प्रदेश संगठन से जुड़े जितने भी पदाधिकारी हैं वो सभी मौजूद हुए, इकट्ठा हुए हैं। और समीक्षा बैठक है ये, जिसमें बीजेपी के अब तक के जो कार्यक्रम थे उनकी समीक्षा की गई, आगे कैसे काम होना है इसकी समीक्षा की जा रही है और इस पर चर्चा की जा रही है, रणनीति इसकी बनाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये अहम बैठकें, और तीसरी तरफ संघ की भी एक अहम बैठक आज हो रही है, और चौथी तरफ नितिन गडकरी बड़ी सौगातें लेकर के आए हैं आज केंद्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश के लिए। इंदौर पहुंचे, उज्जैन वो मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे, और उज्जैन में वो कई सड़कों की सौगात लेकर के आ रहे हैं। तो कह सकते हैं 11 परियोजनाओं की सौगात लेकर के नितिन गडकरी पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की धरती पर, तो ये बड़ा अहम दिन। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आपको लगातार हम एक के बाद एक सारे बयान सुनवाते हैं कि आज के इन तमाम आयोजनों पर किसने क्या कहा। पर्यावरण अगर बचाना है तो समाज को भी सतत साधना करनी पड़ेगी, और इसलिए मन में एक भाव आया कि हम केवल भाषण देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अगर पेड़ लगाने के काम को हम अपने जीवन में उतार लें, जीवन का अभिन्न अंग बना लें, तो शायद मन को भी संतोष होगा और दूसरे साथियों को भी प्रेरणा दे पाएंगे। 19 फरवरी को नर्मदा जयंती के दिन अमरकंटक से यह अभियान प्रारंभ हुआ, और मुझे ये कहते हुए आत्मसंतोष है कि एक दिन भी ये अभियान नहीं रुका। यहां तो भोपाल में पहले मैंने खुद पेड़ लगाए, फिर संस्थाएं आगे आई, एक नहीं दो दो पेड़ तो लगते ही, लेकिन इसके बाद मैं जहां जाता था वहां पहले से ही पता होता था कि तो रोज पेड़ लगाता, तो पेड़ लगाने की तैयारी करते लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को भी, बाकी मित्रों को भी मालूम है कि पेड़ लगाना, तो एक पेड़ तैयार रहता और एक नहीं कई बार तो अनेकों पेड़ लगते थे। तो धीरे धीरे पेड़ लगना एक अभियान जैसा बन गया, और आज साल भर के बाद मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अब जब तक पेड़ नहीं लगाऊं मेरे मन कोई संतोष नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, लगता है कि कुछ अधूरा पन है। और पेड़ लगाते हैं तो एक अलग तरह का, देखिए लगातार कोई काम करते हैं तो एक अलग तरह का भाव पैदा होता है। अब मुझे मीडिया के मित्रों ने पूछा कि पेड़ लगा तुम्हें आपको कैसा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है जैसे ये पेड़ नहीं है मेरे भांजी और भांजी, एक बरस पूरा हो गया 19 फरवरी को, और तब ये विचार आया कि एक दिन जिन दिन में साल भर पेड़ लगाए हैं, साथ मिलकर पेड़ लगाए, एक तो मैं उन सभी संस्थाओं को आज हृदय से धन्यवाद देता हूं, और मेरा मन ये कहते हुए आनंद और प्रसन्नता से भरा है कि इतनी संस्थाएं हैं, भले छोटी हो लेकिन अच्छा काम करने वाली, कोई पर्यावरण के क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई स्वच्छता के क्षेत्र में, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कोई बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में, अलग अलग इतने अद्भुत काम हो रहे हैं कि मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे भोपाल में अच्छा काम करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है।
कई बार अच्छा काम करने वाले मीडिया की सुर्खियां नहीं बनती, कहीं कोई गड़बड़ और गलत काम होता है तो वो आ जाता है, लेकिन बहुत अच्छे काम करने वाले लेवल पे कई मोटाई सब काम कर रहे हैं, मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मन और आत्मविश्वास से भरता है ऐसे लोगों के साथ मिलके प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है, जन कल्याण का और अद्भुत काम किया जा सकता है। देखिए आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वर्ष पूर्व अभियान प्रारंभ किया था संकल्प से सिद्धि, जिसके माध्यम से प्रत्येक दिन वृक्ष लगाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, नियमित रूप से एक दिन का भी कभी गैप नहीं हुआ, और वो प्रदेश से बाहर भी रहे हैं तो वहां पर भी जाकर उन्होंने वृक्षारोपण करने का काम किया है। तो जो एक संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का था, संकल्प का आज एक वर्ष हो रहा है, और इससे हमारे पूरे प्रदेश को एक प्रेरणा मिली है कि हम सबको वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष ही हमारे जीवन का आधार है। इस सृष्टि में जो आने वाली चुनौतियां हैं वो पर्यावरण की चुनौतियां हैं, जल की चुनौतियां हैं, और इसको अगर हम ठीक कर सकते हैं तो सिर्फ वृक्षारोपण के माध्यम से ही ठीक कर सकते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन भी करता हूं, उन्होंने एक ऐसी पहल की है और ऐसा संकल्प उन्होंने लिया है जिससे एक जन जागरण पूरे प्रदेश में हुआ है, और उनका अभिनंदन भी है, उनको बधाई भी है, और लोगों से हम अपील करेंगे कि लोग जरूर अपने जीवन में वृक्ष लगाएं। और नगरी प्रशासन मंत्री होने के नाते मैं भी इस बात का प्रयास कर रहा हूं कि जो हमारे नगरी क्षेत्र हैं उनमें सभी में अच्छे पार्क हों, वृक्षारोपण हो, और वहां पर हम जहां जहां पर भी ग्रीनरी कर सकते हैं उसका भी अभियान हम प्रारंभ कर रहे हैं। एक शुभ काम है, समाज को मार्गदर्शन करने वाला काम, और आदरणीय शिवराज जी के संकल्प से ये पूर्ण हो रहा है। इस अवसर पर मेरी उनको और सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बैठ लेते समय पर कुछ पत्रकार बंधुओं के मन के अंदर एक प्रश्न था, उन्होंने पूछा कि राजनीतिक दल और सामाजिक काम, क्योंकि वृक्षारोपण का काम सामाजिक काम है, उन सभी के अंदर भारतीय जनता पार्टी सदैव सक्रिय रहेगी और उसके नेता इसी प्रकार का सहयोग और मार्गदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि हम राजनीति में हैं ही इसलिए यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रमों को लेकर के समीक्षा भी करती है, आगे के कार्यक्रमों की योजना पर भी गंभीरता से विचार करती है। इस दृष्टि से आज भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश पदाधिकारियों की, सभी जिलाध्यक्षों की, सभी जिले के प्रभारियों की, मोर्चों के अध्यक्षों की, इसके अलावा हमारे सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि अर्थात सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, निगम मंडलों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ऐसे सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित होंगे, और जो हमारे बूथ विस्तारक कार्यक्रम हुए हैं उसकी समीक्षा होगी, आगे के कार्यक्रमों की योजना बनेगी, समर्पण के कार्यक्रम जो चल रहे हैं इसमें हमारी भागीदारी, इन्हीं विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने रोडमैप को लेकर के बैठती है। और इसी दृष्टि से तो बीजेपी की एक अहम बैठक जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय करवाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी हैं, सर आपका स्वागत है हमारे साथ में। राजेश जौहरी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार आपका भी स्वागत है, और गीत धीर हैं बीजेपी की ओर से, आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत गीत जी आपसे करेंगे, और जाहिर सी बात है कि आज दिन बड़ा अहम, सीएम शिवराज के पौधारोपण के संकल्प का एक साल पूरा और पूरी पार्टी ने पौधारोपण में हिस्सा लिया, क्या संदेश देने की कोशिश की गई है गीत जी? देखिए जी बोलिए। शिवराज सिंह जी जो है आ रहे हैं निरंतर, उनके इस बीच जो है आप देखेंगे कि चुनावी दौरे भी रहे, कई दिल्ली प्रवास भी रहे, कई अन्य राज्यों में अन्य शहरों में प्रवास भी रहे, लेकिन उन्होंने एक भी दिन जो है पौधे लगाने का कार्य नहीं छोड़ा, एक भी दिन इससे नहीं चूके, क्योंकि उनके मन में पर्यावरण संरक्षण की जो भावना है उसके प्रति जो प्रेम है
तो वो उन्होंने जग जाहिर किया। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में वो आज उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि किसी का भी अगर जन्मदिन है तो पौधे लेकर ना आए, आप बुके देना उस व्यक्ति को, लेकिन आप एक पौधा उसके नाम पे जरूर लगाएं। और जिनका जन्मदिन है उनसे भी आग्रह किया कि आप अपने जन्मदिन पे एक पौधा लगाएं, और जो लोग सक्षम है और समय निकाल सकते हैं और योग्यता है जिनमें पौधे लगाने की, वो एक पौधा हफ्ते में दिन में अगर प्रतिदिन लगाते हैं तो उसका भी उन्होंने एक संदेश दिया। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो ना केवल जनता के उद्धार के लिए बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए भी जो है कार्य कर रहे हैं, ये दिख रहा है, क्योंकि पर्यावरण जो है आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मेजर इफेक्ट और बहुत मेजर जो है वो परिणाम लेके आने वाला है जी। तो दुष्परिणामों से निकल के अगर ये सुगम परिणाम आए, इसके लिए आज से ही हमने प्रयास शुरू करने चाहिए। इसी जो है मानसिकता और इसी योजना के तहत जो है माननीय शिवराज जी जो है लगभग 365 दिन से पौधे लगा रहे हैं, एक वर्ष आज पूर्ण हो गया है। और हमने सारे मीडिया कर्मियों को, सारे जितने पत्रकार बंधु हैं हमारे उनको आदर साहत में, जितने हमारे समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए कार्यकर्ता हैं उनको आदर के साथ में, जितनी पार्टियों के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं सबको ही आमंत्रित किया था कि आप आए। और यहाँ पर कोई पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये तो एक जनसाधारण कार्यक्रम है जिसमें हमारे मुख्यमंत्री सहजता से सबसे मिल रहे थे। सहजता से उन्होंने जो है वो अपने 365 दिन में कितने पौधे लगाए उसके बारे में जानकारी दी और जनता को सजग किया। चलिए, नहीं ये देखिए, सीएम शिवराज तो उसके पहले भी कई बार अपील कर चुके हैं कि होर्डिंग बैनर पोस्टर की राजनीति से दूर हों कार्यकर्ता, लेकिन वो मानते नहीं है। खैर, अब देखना होगा कि कुछ दिन बाद जब सीएम शिवराज का जन्मदिन होगा तब वाकई क्या सीएम शिवराज की अपील का असर होता है। और बात ये भी गीत जी की अपील, एक दिन पौधारोपण किया आपने, आप अपील सबसे करें, लेकिन बीजेपी के बाकी नेता और कार्यकर्ता कितना अनुसरण करते हैं ये मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन पहले कमेंट रवि जी आपसे, आज बीजेपी की एक अहम बैठक भी है, किस तरीके से देखते हैं आप 23 की तैयारी या फिर ये साल भर का लेखा जोखा समीक्षा बैठक के मायने क्या है रवि जी? हेलो, हाँ रवि जी बोलिए। दीपेश जी, मैं बैठक को लेकर आपने पूछा। जी जी बिल्कुल। देखिए दीपेश जी, बैठक के जो है उसका उद्देश्य अलग है। जो भाजपा मतलब जो निधि समर्पण निधि संग्रह अभियान चला रही है, वो जो लक्ष्य तय किया गया था उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाई है, अभी काफी निराशाजनक स्थिति, उसी को देखते हुए पार्टी पदाधिकारी और प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई है। इसमें उनको एक बार फिर से ताकीद किया जाएगा कि भाई पार्टी का जो लक्ष्य है वो आप उसे कैसे पूरा करना है। आज देखिए सुबह मुख्यमंत्री निवास पर भी जाते हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने उनसे समर्पण निधि संग्रह बुलाई है, तो सोई पर ये उसी को लेकर बैठक है दीपेश जी। और मुझे लगता है कि हालांकि विपक्ष की तरफ से जो आरोप आ रहे हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो पार्टी के पितृपुरुष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे ने जिस परंपरा का शुरुआत की थी, मुझे लगता है